तो शुरुआत से ही है, मतलब शादी हुई है वो एक टेंशन है, क्योंकि शादी अनचाही शादी है। और बुंदेला निवास में जो इच्छा की जो माँ थी, नहीं अपना मीठी की जो दादी जी हैं, उन्होंने बुंदेला निवास में कोई रहता नहीं है, तो उन्होंने उसकी चाबी उनको दे दी। मैं नहीं चाहता था कि मैं बुंदेला निवास में आके रहूं, मैं अपने दम पे दुनिया खड़ी करना चाह रहा हूं अपनी या फिर जो भी है, बट अल्टीमेटली हमको आना पड़ता है। और मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं, क्योंकि अब इस पूरी हवेली में मुझे और मीठी को रहना पड़ेगा एज अ हस्बैंड वाइफ, जो हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं दोनों। अब दिमाग में, क्योंकि ये शादी मैं मुक्ता से प्यार करता हूँ, वो आकाश से अभी भी प्यार करती है, और उसका डिवोर्स हो चुका है, मेरी शादी हो गई है, तो बहुत ही क्रॉस कॉम्बिनेशंस हो गए हैं अभी। और अब अलग अलग इंसान का अलग अलग टेक है। मीठी कहीं ना कहीं चाहती भी है कि वो इस गलती को सुधारे और मुझसे डिवोर्स करके फिर से वो आकाश से शादी कर ले और मुक्ता की शादी मुझसे करवा दे, बट मेरे संस्कार ये नहीं है, मुझे ये नहीं सिखाया गया है। और मुझे जो भी कुछ भी सिखाया गया है ज़िंदगी के बारे में, वो इच्छा ने सिखाया है, और उनके हिसाब से तलाक शब्द उनके मतलब डिक्शनरी में नहीं था, और मैंने भी वही सीखा है। तो मैं कहता हूँ किसी भी तरीके से अब ये शादी निभानी है, तो वही चल रहा है। सीन का हमने शूटिंग किया है वो ये है कि बुंदेला परिवार में हम आ तो रहे, लेकिन इसके पहले वापस एकादश ने फ़ोन किया है अन्नी को और बहुत कुछ खरा खोटा सुनाया उनको, और वापस अन्नी की तबीयत ख़राब हो जाती है। मैं सच बोलने जाती हूँ लेकिन फिर भी सच्चाई बोल नहीं पाती हूँ, तो वो एक अफसोस मन में रह जाता है कि कितनी भी कोशिश करूँ भगवान मेरे साथ ऐसा खेल क्यों खेल रहा है कि मैं बार बार चाहकर भी सच नहीं बोल पा रही। डेफिनेटली टेलीविज़न में दिया बुझना मतलब कुछ तो या तो कोई आने वाला है आने वाली है या तो कुछ ना कुछ हादसा होने वाला है, ऐसा कुछ ना कुछ तो होने वाला है ज़रूर। मैं तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि विष्णु से नाता तोड़ दूँ, विष्णु को इस बंधन से आज़ाद कर दूँ, लेकिन विष्णु आज़ाद नहीं होना चाहते, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ उनके वो रिश्तों का, वो बड़ों का मान करते हैं, इज्जत करते हैं, इसके लिए वो ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, जैसे विष्णु के लिए भी डिफ़िकल्ट है वैसे मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते नहीं, और एक दूसरे के साथ ज़िंदगी भी नहीं बिताना चाहते। दो अनजान लोगों को एक जगह में बंद कर दिया जाता है, शादी के बंधन में बांध दिया जाता है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कैसे निभाएंगे आगे, रिश्ता निभा पाएंगे भी नहीं। मीठी क्या इच्छा की तरह रिश्ता निभा पाएगी, अपनी माँ की परछाई पर चल पाएगी, ये बहुत सारे सवाल हैं।